हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, ये रेडमी का फ़ोन है। रेडमी का फ़ोन मान लीजिए अचानक आपका रेडमी का कोई भी फ़ोन हो और हैंग हो गया हो, जिससे आपका टच ना काम करता हो, डिस्प्ले पे ग्राफिक ना आता हो या माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख लेना। मान लीजिए आपका टच हैंग हो गया है, आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा वो सही हो जाएगा। तो चलिए आपको करके दिखाता हूं। यहां पे हमारा जो है टच नहीं काम कर रहा है, आपको बताऊंगा कि इसमें टच क्यों नहीं काम कर रहा है, कभी कभी मतलब ऐसा होता है। तो यहां पे हमें सबसे पहले आपको जो है पावर बटन को प्रेस करके थोड़ा टाइम तक प्रेस करके आप रखोगे तो आपका ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए आपको तो बताता हूँ दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है चलाते चलाते ऑटोमेटिक टच काम करना बंद कर देता है, या कभी ऐसा होता है कि हमारे डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, केवल डिस्प्ले पर ब्लू स्क्रीन मतलब लाइट केवल जलता है, डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक स्पीकर रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ होता है तो एक बार अपने फ़ोन को आप रिबूट और रिस्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। और ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर उस फ़ोन में होता है जिसका डिस्प्ले चेंज हुआ होता है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके मोबाइल में आ गया है तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कीजिए। रिबूट करने के लिए आपको पावर बटन को 10 से 15 सेकंड तक लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका जो है रिबूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हमारा टच पहले नहीं काम कर रहा था, अब देखिए काम कर रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।